वेलकम ऑल दिस इज ऐ वीडियो फॉर क्लास टेंथ आई सी एस सी सिलेबस इम्पोर्टेंट वीडियो है आपकी सिविक्स की क्लास टेंथ के लिए जिसमें हम फर्स्ट टर्म में आने वाला आपका जो सिलेबस है सिविक्स का उसका डिस्कशन करेंगे जनरली आई होप सो आप सबको सिलेबस पता ही होगा सिलेबस ना पता हो तो पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं जो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है बेसिकली आपका आई का जो भी सिलेबस है आपकी स्क्रीन पर है यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है आई का क्लास टेंथ का उसमें यूनियन लजिस्लेचर ही है बेसिकली फर्स्ट टर्म के लिए हमको सिर्फ यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ना है तो हम यूनियन लजस्लेचर ही स्टार्ट कर रहे हैं आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे आपको आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो इससे अभी हम इसे थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे इसका और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वो भी हम अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो यूनियन लजिस्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं यूनियन लेजिस्लेचर है क्या बेसिकली इसी को आप यूनियन पार्लियामेंट भी कहते हैं तो ये हमारा यूनियन लेजिस्लेचर ही हमारा यूनियन पार्लियामेंट भी कहलाता है इन मॉडर्न टाइम स्टेट मैनिफेस्ट थ्रू अ गवर्नमेंट इट्समेंट ट्रांसलेट द देशन एंड एम्बिट स्टेट इन टू रियलिटी आज के जमाने में क्या होता है कि गो, एक गांधी

तो जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं वो पार्लियामेंट के अलग अलग विंग्स होते हैं वो विंग्स उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो जब गवर्नमेंट बनती है किसी भी स्टेट में तो हर गवर्नमेंट के अलग अलग विंग्स होते हैं विंग्स कह सकते हैं कि अलग अलग पार्टीशन दे दिया जाता है अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर दिया जाता है और हर सेक्शन अलग अलग चीज़ों को देखता है और उस हिसाब से गवर्नमेंट चलती है उस हिसाब से पूरा देश चलता है बेसिकली आप ये कह सकते हैं द लॉ मेकिंग विंग इज कॉल्ड द लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है हम उसको कहते हैं लेजिस्लेचर द गवर्निंग विंग इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव और जो उस लॉ बनाने के बाद उसको गवर्न करता है या उसको चलाता है तो वो कौन है वो आपका एग्जीक्यूटिव होता है एंड द विंग डेट डिस्पेंस जस्टिस इज कॉल्ड जुडिशरी और न्याय से रिलेटेड जो हमारा विंग है वो क्या कहलाता है जुडिशरी कहलाता है तो यूनियन लेजिस्लेचर तीन हिस्सों में बटा हुआ है तीन विंग है आपके द लेजिस्लेचर दूसरा आपका द एग्जीक्यूटिव और तीसरा आपका जुडिशरी तो यूनियन लेजिस्चर तीन पार्ट्स में बटा हुआ है लेजिस्लेचर क्या करते हैं लॉ बनाते हैं तो जो विंग जो लॉ बनाता है उसको हम कहते हैं द लेजिस्लेचर और जो गवर्न करता है या उसको चलाता है उस लॉ को फॉलो करता है या उस पर लोगों को फॉलो करता है उसको कहते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव और जो न्यायपालिका है हमारी उसको कहते हैं जुडिशरी यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी कोर्ट्स आते हैं वो किसके अंडर आते हैं वो आपके जुडिशरी के अंडर आते हैं फेडरल सेटअप क्या होता है फेडरल सेटअप इन इंडिया फेडरल सेटअप क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं फेडरल सेटअप क्या है इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ़ गवर्नमेंट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बोथ आर सुप्रीम विद यर रिस्पेक्टिव वेव फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की जो टोटल पावर होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है इस तरह से डिवाइड किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग उसको डिवाइड कर दिया जाता है और दोनों के पास अपनी अलग अलग पावर होती है लॉ बनाने की उसको फॉलो करने की जुडिशरी का भी दोनों के पास अलग अलग पावर होता है तो फेडरल सिस्टम क्या होता है दोनों को पावर देता है स्टेट को भी पावर देता है और आपका सेंट्रल को भी पावर देता है कह सकते हैं कि आप पूरे इंडिया को जो चला रही है वो गवर्नमेंट क्या होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है और जो स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके अंदर अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट आपकी कहलाती है तो दोनों के पास अपने अपने तरीके से पावर है दोनों अपनी अपनी पावर का कर इस्तेमाल करते हैं और स्टेट को चलाते हैं और सारे स्टेट मिल ही एक देश को चलाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से आप कह सकते हैं हेड होती है और स्टेट गवर्नमेंट उसके अंडर वर्क करती है दे आर टू टाइप्स ऑफ फेडरल सिस्टम दो तरह के फेडरल सिस्टम होते हैं एक होता है कमिंग टुगेदर कमिंग टुगेदर देख लेते हैं क्या होता है इन दिस इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ फेडरेशन दे आर वेरियस कॉन्स्टिटुंट स्टेट आर स्ट्रॉर एन्जॉय पावर एट पार्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल यूएस ए एंड ऑस्ट्रेलिया तो ये जो फेडरल सिस्टम होता है इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर इसमें क्या होता है अलग अलग जो स्टेट्स होती हैं वो आकर एक फेडरेशन फॉर्म कर लेती हैं और जब वो फेडरेशन फॉर्म कर लेती है तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कौन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट मेन पावरफुल मानी जाती है इसमें सबसे ज्यादा पावर उसके पास होती है उसके बाद और छोटे छोटे स्टेट जो उसके साथ मिलकर काम करते हैं वो एक फेडरल सिस्टम बनाते हैं जैसे कि आपका यू में और ऑस्ट्रेलिया में यही फेडरल सिस्टम फॉलो होता है होल्डिंग टुगेदर क्या होता है इन दिस अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर होल्डिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो वो क्या करती है अपनी बहुत बड़ी कंट्री है तो वो क्या करती है अपनी पावर को डिवाइड कर देती है किसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों में मतलब पावर ज़्यादा है बड़ी कंपनी है तो हैंडल बड़ी कंट्री है तो हैंडल करना मुश्किल होता है तो उसमें क्या करते हैं वो कि अपनी पावर को डिवाइड कर देते हैं कुछ पावर वो स्टेट के पास देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं और कुछ पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे, दे देते हैं हेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल दैन द स्टेट लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट से जो आपका इसमें मेन एग्ज़ाम्पल इंडिया इंडिया है आपकी स्पेन है और इंडिया सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेटी है पूरे वर्ल्ड में जो इस सिस्टम को फॉलो करती है आपका होल्डिंग टुगेदर सिस्टम को फॉलो करती है तो फेडरल सिस्टम जो इंडिया में फॉलो होता है वो होता है होल्डिंग टुगेदर सिस्टम इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक बड़ी कंट्री अपनी पावर को डिवाइड कर देती है छोटे छोटे राज्यों में तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही है और अपनी पावर को वो और स्टेट्स में भी डिवाइड कर देती है लेकिन ज्यादा पावरफुल उसमें कौन होता है ज्यादा पावरफुल उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है और कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि छोटे छोटे स्टेट्स आके मिल जाते हैं और एक फेडरेशन फॉर्म कर लेते हैं लेकिन पावर किसके हाथ में होती है उसमें पावर टोटल पावर किसके हाथ में होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में टोटल पावर होती है पार्लियामेंट क्या होता है पार्लियामेंट के बारे में पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी पार्लियामेंट क्या है आपका लेजिस्लेटिव ऑर्गन है लेजिस्लेटिव क्या है अभी मैंने बात करा था लेजिस्लेचर क्या करते हैं लॉ बनाते हैं तो पार्लियामेंट क्या है बेसिकली लॉ मेकिंग बॉडी है आपकी इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हुज परमिशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और चेंजिंग ऑफ लॉ ये एक ऐसी बॉडी है पार्लियामेंट की जो रिप्रेजेंट करती है आपको जनता को रिप्रेजेंट करती है बेसिकली ये पार्लियामेंट क्या होता है पूरे इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में आके और कोई भी लॉ अगर बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली उस लॉ को पास करने के लिए इनकी परमिशन ज़रूरी है किसकी पार्लियामेंट की अगर पार्लियामेंट ही चाहेगा तो ही वो लॉ पास होगा वरना वो लॉ पास नहीं होगा बेसिकली आप कह सकते हैं जो लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ बना रहा है तो उस लॉ को पार्लियामेंट के थ्रू पहले पास कराया जाता है उसके बाद ही वो लॉ बनता है इट कंट्रोल द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द नेशनल बजट और जो काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है उसको भी पार्लियामेंट कंट्रोल करती है और नेशनल बजट भी कौन कंट्रोल करेगा नेशनल बजट को भी पार्लियामेंट ही कंट्रोल करेगी इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट इंडियन पार्लियामेंट में तीन कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं पहला लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों मिल ही पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट बेसिकली लोकसभा एंड राज्यसभा आपके दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के ये आपका अपर हाउस और लोअर हाउस कहा जाता है इसको आपका लोकसभा आपका लोअर हाउस होता है और आपका राज्यसभा आपका अपर हाउस होता है तो लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं लोकसभा क्या है द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल और द लोकसभा लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं बेसिकली हाउस ऑफ द पीपल क्यों बोलते हैं क्योंकि ये वो बंदे लोकसभा में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हम वोट करके वहाँ पे पहुँचाते हैं तो जनता की जो वोटिंग होती है उससे ही जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बेसिकली तो इसीलिए उसको हाउस ऑफ द पीपुल ही बोला जाता है और उसको लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ही बोला जाता है लोकसभा का टर्म द टर्म ऑफ लोकसभा लोकसभा इज़ नॉर्मली इलेक्टेड फॉर फाइव ईयर लोकसभा पाँच साल के लिए जब भी इलेक्शन होते हैं देश में आपने देखा होगा लोकसभा के इलेक्शन जब होते हैं सेंट्रल के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ तो लोकसभा के जब भी इलेक्शन होते हैं तो पाँच साल के लिए होते हैं उनका टेन होता है पाँच साल फाइव ईयर इट मे बी डिजोल्व बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट उससे पहले भी लोकसभा को डिजोल्व किया जा सकता है कौन करता है प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि प्रेसिडेंट लोकसभा को डिजोल्व कर सकता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे तो मतलब पाँच साल से पहले भी लोकसभा डिजॉल्व हो सकती है प्रेसिडेंट कर सकता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इस टेन्यूर में भी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग वन ईयर एट अ टाइम एंड नॉट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड अ पीरियड सिक्स मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द हैज बीन सीज टू ऑपरेट अगर इमरजेंसी का कोई भी प्रोविजन या प्रोक्लेमेशन आ जाता है तो आप पार्लियामेंट का जो टेन्योर है उसको बढ़ा सकते हैं पार्लियामेंट का टेन्योर बढ़ जाता है लगभग पास एक साल के लिए आप एक्सीडिंग वन ईयर एट ए टाइम एक बार में एक साल के लिए उसको बढ़ा सकते हैं जैसे जनरली पाँच साल का है टेन्योर लेकिन अगर एमरजेंसी की कोई सिचुएशन आती है कहीं पे तो एक साल के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है <laughs> और अगर एमरजेंसी की कोई भी सिचुएशन नहीं आती है तो आपको नहीं नहीं बढ़ा सकते उसको इन केस नॉट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ आफ्टर द प्रोप्रेशन ऑफ अगर एमरजेंसी रुक गई और उसके छः महीने हो गए तो छः महीने के बाद कोई भी टेन्योर नहीं बढ़ेगा तो एमरजेंसी की सिचुएशन में आप ये बात समझ सकते हैं कि एक साल के लिए उसके टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा लोकसभा का कंपोजिशन कैसे होता है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज 552 लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कितनी है फाइव इतने मेंबर्स आपके लोकसभा में हो सकते हैं ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है नॉट मोर देन 550 फिफ्टी मम्बर्स शेयर रिप्रजेंट द स्टेट जिसमें से 530 से ज़्यादा मेंबर स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे मतलब स्टेट्स को रिप्रेजेंट कौन कर कितने मेंबर्स कर सकते हैं 530 थर्टी मेम्बर्स मैक्मम स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉट मोर देन ट्वेंटी मेम्बर शेयर रिप्रेजेंट द यूनियन टेरेटरीज अगर यू है तो यू में यूनियन टेरीटरीज में बीस से ज़्यादा मेम्बर उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते यू को टू मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी शैल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इफ़ ही फील्स दैट द कम्युनिटी हैज़ नॉट बीन एडुकेटली रिप्रेजेंटेड और दो मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है अगर उसको लगता है कि ये जिस कम्युनिटी से आ रहे हैं उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन चाहिए वहाँ पर वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही है लोकसभा में और उसको रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो प्रेसिडेंट दो एंग्लो इंडियंस को उस कम्युनिटी के एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को दो बंदों को लोकसभा में आपका नॉमिनेट कर सकता है तो टोटल कितने हो गए 530 थर्टी मेम्बर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं 20 मेंबर्स आपके यूनियन टेरिटरीज को और टू मेंबर्स आपके प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं तो ये इलेक्ट नहीं होते ये नॉमिनेट हो के आते तो कितने मेंबर्स इलेक्ट नहीं होते हैं ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि कितने मेंबर ऐसे हैं जिनको इलेक्ट नहीं किया जाता तो वो दो मेंबर्स होते हैं या कितने मेंबर्स ऐसे हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा तो वो दो मेंबर्स होते हैं तो टोटल 552 स्ट्रेंथ हो जाती है एट प्रेजेंट द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ तो द लोकसभा इज 545 अभी इस वक्त जो करंट लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो आपकी कितनी है 545 मेंबर्स फोर्टी उसमें आउट ऑफ विच फाइव थर्टी डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द स्टेट जिसमें से 530 आपके कहा से आए हैं स्टेट से डायरेक्टली इलेक्ट हुए हैं और आपके तेरह मेंबर्स कहाँ से आए होंगे आपके यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है थर्टीन मेंबर्स आपके आए कहाँ से थर्टीन मेंबर भी इलेक्ट हुए कहाँ से यूटी से तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया थर्टीन मेबर यू टी से इलेक्ट इलेक्ट होकर आए तो कितने हो गए आपके फाइव फोर्टी थ्री हो गए टोटल मेंबर और दो मेम्बर कहाँ से आए दो मेंबर प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करे फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से दो मेंबर नॉमिनेट किए गए तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई फाइव तो यहाँ पे ये जो थर्टीन है तो थर्टीन मेंबर भी इलेक्ट हो आए लेकिन ये कहाँ से आए हैं यूटी से यूनियन टेरिटरी से आएँ और दो मेंबर को किसने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लाए दो मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए गए हैं तो वो किसने नॉमिनेट करें प्रेसिडेंट ने टोटल हमारी स्ट्रेंथ कितनी हो गई 545 ये आपकी करंट स्ट्रेंथ है अभी द सीट आर अलॉटेड टू द डिफरेंट स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन अब जो सीट्स दी जाती हैं लोकसभा में वो किस तरह अलॉट की जाती हैं यूटी और स्टेट में वो उनकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कितनी वहाँ पे पॉपुलेशन है और तो उस हिसाब से सीट वहाँ पे अलॉट की जाती है मतलब जो ज्यादा बड़ा जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होगी जैसे यूपी की बात कर लें तो यूपी से लोकसभा के मेम्बर ज़्यादा जाते हैं पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है ईच स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ एरियाज कॉल कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर इलेक्शन पर्पज अब हर स्टेट और यूनियन टेरेटरी को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया जाता है जब इलेक्शन होते हैं फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी वन और एक कॉन्स्टिटेंसी से एक मेंबर इलेक्ट होकर लोकसभा में जाता है फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिड इंटू फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज दीज सीट और यही कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम क्या कहते हैं सीट्स? इन्हीं सीट पर बंदा इलेक्शन लड़ाता है कंट्री के इलेक्शन के लिए 543 हंड्रेड बनाई जाती बनाई गई हैं जिसमें से इन्हीं पाँच सौ तैतालीस कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम कहते हैं सीट हर सीट पर लोग इलेक्शन लड़ते हैं जिसमें से एक ही बंदा जीतता है और उसको वो सीट मिलती है और फिर वो जाके लोकसभा में उसको रिप्रेजेंट करता है मेनी सीट हैव है आपकी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होती, है। होती हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए फोर्टी सेवन सीट्स रिजर्व होती हैं लोकसभा में तो शेड्यूल कास्ट के लिए उस एट्टी फोर सीट्स हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए फोर्टी सेवन सीट्स लोकसभा में रिजर्व है अब इलेक्शन कैसे होता है लोकसभा का लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है द मेंबर ऑफ द लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था इसको लोअर हाउस बोलता है या हाउस ऑफ द पीपल बोलता है क्यों बोला जाता है क्योंकि जो हिंदुस्तान की जनता है वो वोट देती है और उनके वोट से ही एक बंदा जीतता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से और वो सीट उसको मिल जाती है फिर वो सीट जब उसको मिलती है तो वो जाके अपने आप को कहाँ लोकसभा में रिप्रेजेंट करता है द प्रिंसिपल ऑफ़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हैज़ बिन अडोप्टेड विच मीन डेट ऑल द सिटीजन ऑफ एज एटीन ईयर्स एंड अबव राइट टू वोट इफ अदरवाइज डिसकॉलीफाइड तो कौन किस तरह से वोटिंग होती है एक प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो कहता है कि 18 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है या आप 18 साल के हैं तो आप वोट दे सकते हैं तो उनका वोट काउंट होता है जो 18 साल के होते हैं या 18 साल से ज़्यादा होते हैं दिस इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड बाय द सीक्रेट बैलेट विच मीन द वोटर कैन कास्ट देयर वोट सीक्रेटली विदाउट एनी फेयर अब ये क्या होता है कि सीक्रेट बैलेट वोटिंग होती है इसमें कोई बंदा किसी और का वोट नहीं दे सकता कि वो किसको दे रहा है किसको नहीं दे रहा है इससे क्या होता है कि जो लोग वोट डालने आए हैं उनके अंदर कोई डर खौफ नहीं होता या वो किसी के दबाव में वोट नहीं देते अगले बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि आपने वोट किसको दिया है आपका वोट सिर्फ आपको पता होगा आपने किसको दिया है कोई और नहीं जानता कि वोट किसको दिया गया है क्वालिफिकेशन ऑफ द लोकसभा आप अगर लोकसभा का मेंबर किसी को बनना है तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पहली क्या है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया ही शुड बी एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड पच्चीस साल का तो होना ही चाहिए ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम ऑफेंडर ऑफेंडर का मतलब यह है कि कोई कोई कानूनी उसके ऊपर केस ना चल रहा हो या उसने कुछ गलत हरकतें ना करी हो मतलब अच्छा कैरेक्टर हो उसका कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह ना हो ही शुड हैव इज नेम इन द इलेक्ट्रोलर रोल इन एनी पार्ट ऑफ द उसका नाम जो आपकी इलेक्शन की लिस्ट आती है इलेक्शन की लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए यानी वोट करने के लिए उसका नाम वहाँ पे मौजूद हो या अगर उसको वोट करना हो तो उसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में होना चाहिए ही time time, और शी पॉजेज सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी स्पेसीफाइड बाई द पार्लीमेंट फ्राम टाइम टू टाइम और पार्लीमेंट के द्वारा आने वाले वक्त में जो भी क्वालिफिकेशन ज़रूरी हो पार्लीमेंट का है कि ये क्वालिफिकेशन भी होती है तो वो क्वालिफिकेशन भी उसके पास होनी चाहिए मतलब तो टाइम टू तो टाइम पार्लीमेंट चेंज करता रहता है कि क्या क्वालिफिकेशन और चाहिए उसको अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई नई क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने रख दी कि मेंबर बनने के लिए तो उसके पास वो क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए ई शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि उसके पास कोई और पहले से ही गवर्नमेंट की कोई ऐसा ऑफिस ना हो जिससे वो कमाई कर रहा हो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑलरेडी उसके पास ऑफिस नहीं होना चाहिए ई शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड यानी उसका मेंटली इल नहीं होना चाहिए मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए शुड नॉट बी इंसॉलमेंट इंसॉलमेंट का मतलब क्या है करेदार ना हो ऐसा ना हो कि वो कर्जे में डूबाओ और इलेक्शन लड़ रहा हो लोकसभा का तो वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता सेशन ऑफ लोकसभा लोकसभा के सेशन कौन कौन से होते हैं जनरली आपको पता ही होगा लोकसभा में तीन सेशन होते हैं द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट टू कंडक्ट इट्स बिजनेस इज कॉल्ड सेशन कंडक्ट यहाँ पे ओ होगा वो टाइम जब पार्लियामेंट बैठ के काम करता है तो उस टाइम को क्या कहते हैं हम लोग सेशंस कहते हैं द प्रेसिडेंट समेसिट ही समन करता है आपका सेशन को आर थ्री सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन एंड हेल्ड इन द ईयर साल में तीन सेशन होते हैं पहला होता है बजट सेशन मानसून सेशन और आपका विंटर सेशन बजट आपका फेबर मई से चलता है मानसून सेशन जो होता है आपका जुलाई से सितंबर तक उसके बाद विंटर होता है विंटर नवंबर से दिसंबर तो पार्लियामेंट के साल में कितने सेशन होते हैं तो पार्लियामेंट के बेसिकली तीन सेशन होते हैं द मैक्सिमम पीरियड कर इंटरवीन बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज सिक्स मंथ एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच का जो टाइम होता है वो मैक्सिमम टाइम कितना होता है छः महीने छः महीने से ज़्यादा टाइम नहीं होता मतलब अगर आज एक सेशन हुआ है तो अगले सेशन छः महीने से पहले होगा ऐसा नहीं है कि छः महीने का पूरा पूरा गैप हो जाए मैक्सिमम टाइम आपको छः महीने का दिया जाता है बस उससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाता प्रेसिडेंट कैन प्रोरो द पार्लियामेंट और एनी ऑड द हाउस प्रेसिडेंट अगर चाहे तो प्रोरो का मतलब होता है पार्लियामेंट को रोक सकता है मीटिंग जो भी हो रही सेशन सेशन को बंद कर सकता है हटा सकता है और कर सकता है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट में डिजोल्व द लोकसभा प्रेसिडेंट लोकसभा को भी डिजॉल्व कर सकता है एंड कैन कन्वे द ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ द हाउसेज और अगर चाहे तो दोनों हाउसेज का ज्वाइंट सेशन भी कर सकता है दोनों हाउस कौन से राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ बुला के भी सेशन कर सकता है एक साथ मीटिंग भी कर सकता है दोनों की कोरम क्या होता है इट इज़ नंबर ऑफ बी प्रेजेंट इन द हाउस इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस मतलब अगर मीटिंग स्टार्ट होनी है सेशन स्टार्ट होना है तो मिनिमम नंबर ऑफ परसन कितने लोग चाहिए वहाँ पे वो कहलाता है कोरम मतलब इतने लोग अगर होंगे तभी होगा वरना नहीं होगा तो एज पर रूल क्या कहता है कि वन टेंथ ऑफ द टोटल मेंबरशिप दोस्टीट्यूट द कोरम मतलब अगर आपके हाउस में जितनी भी स्ट्रेंथ है उसके वन टेंथ बंदे वहाँ पे प्रेजेंट हैं यानि दस परसेंट लोग प्रेजेंट है तो आपका सेशन

अगर जितने भी बंदे आपके लोकसभा में इलेक्ट होके गए हैं तो जनता के पानी जनता को ही वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे तो वो जाके वहाँ पे पार्लियामेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी पब्लिक इंटरेस्ट से यानी पब्लिक मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो पार्लियामेंट में जाके वो क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट से सच क्वेश्चन आर एड्रेस टू द चेयर एंड इफ एडमिटेड द गवर्नमेंट और ऑबलेक्ट टू आंसर इट ये क्वेश्चन एड्रेस किसको किए जाते हैं ये जो चेयरमैन होता है जो वहाँ का आपके लोकसभा का जो चेयरमैन होता है जो सीट पर बैठा होता है ये उसको एड्रेस किए जाते हैं और अगर क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो गवर्नमेंट उसको आंसर भी करती है फर्स्ट आवर ऑफ़ द एवरी वर्किंग डे ऑफ द हाउस इज रिजर्व फॉर द क्वेश्चन अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द स्पीकर हर जो वर्किंग डे होता है आपका जो भी वर्किंग डे होता है उसका पहला घंटा क्वेश्चन के लिए रिजर्व होता है मेंबर्स उस पहले घंटे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसी को कहते उसी को हम कहते हैं क्वेश्चन आर तो ये पहला घंटा हमेशा रिजर्व होता है वर्किंग डे का अगर पहले घंटे में क्वेश्चन आर नहीं हुआ है तो स्पीकर चाहे तो जब चाहे स्पीकर तब कर सकता है उसका क्वेश्चन आर फॉर्म करके उस टाइम आप लोकसभा के मेम्बर गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं देर आर थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन अन क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली अनस्टार्ट क्या होता है अनस्टार्ट वो होता है जो अगर किसी मिनिस्टर से किसी भी लोकसभा के मेंबर ने क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको रिटर्न फॉर्म में देना पड़ता है जवाब अगर रिटर्न फॉर्म में जो जवाब दिया जाता है जिस क्वेश्चन का उसको कहते हैं अनस्टार्ट स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है किसी मिनिस्टर से कि ऐसा क्यों है क्या है तो उसको ओरली अगर वो जवाब दे रहा है तो ये क्वेश्चन ओरली जो स्टार क्वेश्चन होते हैं इनको ओरल जवाब देना होता है जो अन क्वेश्चन होते हैं उनको रिटर्न फॉर्म में देना होता है शॉर्ट रोटी रिलेटेड टू द मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट कैन बी आज बिथ द प्रायर नोटिस ऑफ टेन डेज और जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछने के लिए आपको पहले दस दिन पहले नोटिस देना पड़ता है कि तब जाके आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एडजस्टमेंट क्या होता है हाउस इज प्रोग्राम वेल एडवास एंड इज कंड अकॉर्डिंगली अब क्या होता है कि पार्लियामेंट में जो भी डेली की वर्किंग होती है वो पहले से शेड्यूल होती है पहले से तय होती है कि आज ये होगा ये होगा ये होगा या ये होगा तो वो पूरा एक टाइम टेबल बेसिकली आप कह सकते हैं टाइम टेबल बना होता है पर डे का जो भी उनकी डेली वर्किंग होती है उसका टाइम टेबल बना होता है लेकिन होता क्या है इफ अ क्वेश्चन ऑफ इमेंस पब्लिक इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द मेंबर कैन डिमांड द एंड ऑफ द सेशन ऑन रिलेटेड बिजनेस एंड डिस्कस द मैटर इमीडिएटली अब अगर क्या होता कि कोई ऐसा क्वेश्चन उठ के आ गया जो आपका डेली बिजनेस में जो शेड्यूल है उसमें का नहीं है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका जवाब देना ज़रूरी है वो उसके लिए कोई शेड्यूलिंग नहीं हुई है वो अचानक से क्वेश्चन निकल आया और लेकिन उसका जवाब देना भी ज़रूरी है तो जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो डिमांड कर सकते हैं एडजस्टमेंट का कि मतलब अभी जो बिजनेस चल रहा है जो पहले से शेड्यूल है आप उसको बंद कर दें और जो क्वेश्चन उठ के आ गया है अचानक से पहले उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए तो यही कहलाता है आपका एडजस्टमेंट कि जो पहले से तय था शेड्यूल उसको हमने हटा के अचानक से जो क्वेश्चन उठ के आया उस क्वेश्चन पर डिस्कशन चालू कर दिया हाउस मतलब बंद कर देना सभा को आफ्टर द बिजनेस फॉर द डे इज ओवर जब पूरे दिन का बिजनेस खत्म हो जाता है तो एडजेंट कर देते हैं सभा वेन द डेथ ऑफ अ सिटिंग मेम्बर ऑफ द हाउस अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है जो हाउस में बैठते हैं उनकी डेथ हो जाती है या कोई भी लोकसभा मेंबर की डेथ हो जाती है तो भी आपका ये एडजेंट कर दिया जाता है सेशन वेन देयर इज सो मच डिसऑर्डर इन द हाउस दैट इज इज डिफिकल्ट टू कंडक्ट द बिजनेस अब अगर इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है हाउस में कि काम नहीं हो पा रहा है वहाँ पर तब भी एडजमेंट हो सकता है यानी बंद कर बंद किया जा सकता है सभा फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम अगर सभा में लोग ही उपस्थित नहीं है सेशन करने के लिए लोग ही नहीं है कोरम ही नहीं है स्ट्रेंथ नहीं है तो भी बंद हो जाता है एज वन स्पीकर फाइंड इट नेसेसरी और स्पीकर अगर चाहे तो भी बंद कर सकता है उसको सभा को नो कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है कि पार्लियामेंट सेटअप इन अ पार्लियामेंट्री सेटअप काउंसिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क टिल एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो वो तब तक काम करता है जब तक जो लेजिस्लेचर उस पर भरोसा करता है अगर लेजिस्लेचर का भरोसा उठ गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है कि मतलब लोकसभा के मेंबर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर भरोसा नहीं है तो अगर लोकसभा के मेंबर्स ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देते हैं तो जो गवर्नमेंट अभी वर्किंग में गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है और अपने मंत्रिमंडल के साथ पी को भी इस्तीफा देना पड़ता है तो प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ रिज़ाइन दे देगा और गवर्नमेंट वहीं पर रिज़ाइन दे देगी और वो गवर्नमेंट वहाँ से उसका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा अगर लोकसभा के मेबर्स को उसके ऊपर भरोसा नहीं है या कोई मोशन ऐसा पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंट मोशन अगर पास हो गया लोकसभा में और सब ने वोटिंग कर दी कि हाँ हमें इन पर भरोसा नहीं है इनके काम अच्छे नहीं है या कुछ भी नहीं है तो उस वक्त गवर्नमेंट को रिज़ाइन देना पड़ता है अगर मेजॉरिटी ने वोट कर दिया कि हाँ ठीक है पचास लोगों ने वोट करा कि हमको भरोसा नहीं है और साठ लोगों ने वोट कर दिया कि हमको भरोसा है तो साठ लोगों की मेजोरिटी मानी जाएगी और गवर्नमेंट सर्वाइव कर जाएगी गवर्नमेंट हटेगी नहीं अपनी कुर्सी से तो नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत इंपॉर्टेंट मोशन होते हैं क्योंकि इसमें जो डिबेट होती है वो गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज पे डिस्कशन होता है कि गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया और क्या नहीं किया और कैसे किया तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट का कच्चा छिट्टा खोल के रख देती है सामने लोकसभा में जब इस पर डिस्कशन होता है कि किसी एक पर्टिकुलर मैटर पर डिस्कशन नहीं होता है इसमें इसमें टोटल गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती है उस पर डिस्कशन होता है फिर उसके हिसाब से ही वोटिंग होती है कि गवर्नमेंट को अब बने रहना चाहिए या गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए स्पीकर की बात कर लें अगर स्पीकर कौन होता है स्पीकर बेसिकली जो चेयरमैन होता है आपका लोकसभा का उसको बोलते हैं हम लोग स्पीकर जब लोकसभा इलेक्ट होती है जब लोकसभा बन के आती है जो लोकसभा के मेंबर होते हैं तो वो अपने में से ही एक चेयरमैन चुनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पीकर After the general election, the log -sabha is तो लोकसभा बन बनती है, तो सबसे वाइस चेयरमैन तो पहला काम होता है लोकसभा का कि अपने में से ही एक चेयरमैन चुनना या एक वाइस चेयरमैन चुनना जिसको प्रॉपरली स्पीकर और स्पीकर, बोलते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनते हैं ये लोग अपने में से जितने लोग मान लीजिए कि 545 लोग इलेक्ट होके आए लोकसभा में उसके बाद जो ये पाँच सौ हैं ये अपने में से ही एक बंदा चुनेंगे जिसको स्पीकर बनाया जाएगा और एक बंदा चुनेंगे जिसको डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा द स्पीकर एज वेल एज द डिप्टी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा इट्स मेंबर तो अपने ही लोगों में से इलेक्शन होता है उनका और उसी में से वो एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुन लेते हैं नॉर्मली द स्पीकर इज इलेक्टेड फॉर फाइव ईयर इलेक्शन स्पीकर का कब तक होता है पाँच साल के लिए होता है क्योंकि लोकसभा का टेन्यूरी कितना होता है पाँच साल का होता है ही कैन सीक री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम इफ इज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा अब अगर दोबारा से ही वो वो जितनी बार चाहे उतनी बार इलेक्शन लड़ सकता है लेकिन कब लड़ सकता है जब वो हर बार लोकसभा का मेंबर बन के आएगा अगर वो लोकसभा का मेंबर बन के आता है लोकसभा में तो हर बार जितनी बार वो बन के आता है तो उतनी बार वो इलेक्शन लड़ सकता है रिमूवल इनका कैसे होता है स्पीकर रिज़ाइन स्पीकर कैन रिजाइन हिज पोस्ट ऑन द हेल्थ ग्राउंड बाय सबमिटिंग रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर स्पीकर चाहें तो रिजाइन दे सकते हैं अगर उनका कोई हेल्थ इशू है तो डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे और रिजाइन कर देंगे ही कैन ऑल्सो भी रिमूव बाय द लोकसभा इफ द मेजोरिटी ऑफ दर पास इज द रेजुलेशन टू इज एफेक्ट अब क्या होता है कि वो लोकसभा के मेंबर भी उसको हटा सकते हैं अगर लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उन्हीं ने कोई रेजोल्यूशन पास किया और सबने वोटिंग कर दी कि हाँ इनको हटाना है तो वो हट जा तो उनको हटाया जा सकता है बिफोर मूविंग सच अ रेजुलेशन द कॉन्स्टिट्यूशन फोर्टीन डे ऐसा रेजुलेशन पास करने से पहले आपको चौदह दिन का नोटिस देना पड़ता है लोकसभा के मेम्बर्स को चौदह दिन का नोटिस प्रोवाइड करना पड़ता है फिर अगर उनको स्पीकर से कोई दिक्कत है तो उसके बाद वोटिंग होती है और मेजोरिटी के बंदे अगर कहते हैं कि स्पीकर को हटाया जाए मेजोरिटी वोट किसको मिलता है हटाने के लिए तो स्पीकर को हटाया जा सकता है ड्यूरिंग दिस पीरियड द डिप्टी स्पीकर शेल प्रोसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस और जब तक ये चलता है मैटर तो उतने दिनों के लिए स्पीकर कौन होता है डिप्टी स्पीकर स्पीकर की जगह ले लेता है जब स्पीकर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो कौन लेगा जगह उसकी डिप्टी स्पीकर वो जगह ले लेगा तो आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा मैंने लोकसभा का और पार्लियामेंट का एक समाज समजेशन आपके सामने रखा है जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करें बेसिकली इसमें पूरे चैप्टर का ये थोड़ा सा निचोड़ मैंने निकाला है और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हाईलाइट करें तो हो, आई होप आपको ये सब अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके आने वाले फर्स्ट टर्म एग्जामिशन में हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो भी पेपर है आपका आई सिलेबस का और आने वाली वीडियोस में हम लोग इससे रिलेटेड एम भी डिस्कस करेंगे कि जो भी हमने आज पढ़ा है इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट एम हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो वीडियोज़ को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग